तो दोस्तों आज भारत के वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है और भारत के वैज्ञानिक एक स्पेशल कारनामा करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से ना सिर्फ भारत की जो पनडुब्बियां हैं वो एक साइलेंट हंटर बन पाएंगी बल्कि दुश्मन देश भारतीय पनडुब्बियों को ढूंढते रह जाएंगे परंतु भारतीय पनडुब्बियां दुश्मनों के हाथ में नहीं आएंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस तकनीक के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों आज से लगभग एक महीने पहले की बात है, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत के जो साइंटिस्ट हैं वो स्पेशल प्रकार के मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि दुश्मन देश के रडारों की जो तरंगें हैं उनको अवशोषित कर सकता है और इस मटेरियल का नाम था रडार ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल। इस मटेरियल की जो कोटिंग है वो भारत के तेजस MK1 और तेजस MK2 जैसे फाइटर जेटों के ऊपर करी जाती जिसके माध्यम से दुश्मन देश के जो रडार हैं वो भारत के फाइटर जेटों को नहीं पकड़ पाते। और दोस्तों इसी तकनीक का उपयोग करते हुए भारत के वैज्ञानिक भारत की पनडुब्बियों के लिए इसी प्रकार के एक रडार ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि भारत की पनडुब्बियों को एक साइलेंट किलर बना देगा। दरअसल दोस्तों होता क्या है, जो परंपरागत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती हैं वो एक तो समुद्र तल में गहराई तक नहीं जा पाती और दूसरा ये शोर बहुत ज्यादा करती हैं जिससे दुश्मन देश के जो सोनार सिस्टम होता है वो आसानी से पनडुब्बियों को पकड़ लेता है और एक प्रकार से जब पनडुब्बी पकड़ी जाती है तो फिर इसका बचना लगभग असंभव हो जाता है क्योंकि पनडुब्बी के पास अपना खुद का डिफेंस सिस्टम होता ही नहीं है जिसके कारण से इसको मार गिराना काफी आसान हो जाता है। और दोस्तों इसी बड़ी सिचुएशन को हल करने के लिए भारत के साइंटिस्टों की तरफ से भारत की सारी जो एडवांस इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं उनके ऊपर इसी प्रकार के रडार ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग कर दी जाएगी जिससे सोनार सिस्टम से आने वाली जो तरंग हैं वो भारत की पनडुब्बियों की सतह पर ही अवशोषित कर ली जाएंगी और जब दुश्मन देश के रिसीवर तक भारत की पनडुब्बियों के सिग्नल पहुंचेंगे ही नहीं तो भारत की पनडुब्बियों को पकड़ना लगभग असंभव हो जाएगा। दोस्तों इस तकनीक के मामले में भारत शायद दुनिया का पहला देश ऐसा होने जा रहा है जो कि इतनी घातक और एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा जिसके माध्यम से भारत की जो पनडुब्बियां हैं वो दुश्मन के सामने अदृश्य हो पाएंगी और भारत के दुश्मन देश भारत की पनडुब्बियों को ढूंढते रह जाएंगे परंतु भारत की पनडुब्बियां चाहे तो दुश्मन देश के घर में भी घुसकर हमला कर सकती हैं। खैर दोस्तों आप सभी की इस तकनीक को लेकर क्या राय है और आप सभी भारतीय वैज्ञानिकों की इस तकनीक को कितना सपोर्ट करते हो कमेंट बॉक्स में पीरावस्ती जगह। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।